क्या चल रहा है? ब्रश कर रही हूँ। नया एक्सपीरियंस है क्योंकि खुला खेतर है। यहाँ पर चेयर, गर्म पानी ले लिया, अपना सामान ले लिया। ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है ना, क्योंकि घर में तो मालिश है बाथरूम में। एक्सक्यूज मी गाइस, बट वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड आज मैं आपका वेलकम कर रही हूँ कुछ अलग तरीके से एंड पहाड़ों में जांस्कर के, जहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड है, जहाँ पर ऑक्सीजन लेवल लिटिल कम है, जहाँ पर नींद इतनी तगड़ी आती है क्योंकि इतना अच्छा पीसफुल माहौल है, जहाँ पर कोई नेटवर्क नहीं है। बस यहाँ पर ही नेचर के साथ इंजॉय करो। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। I'm ready for the day, having coffee and enjoying the sunlight. So आज है ना, हम लोग ये पुर्नी जो विलेज है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ जांस्कर जिसको हम लोग एक्सप्लोर करने वाले। देर इज वन ब्यूटिफुल मॉनेस्ट्री। 2 किलोमीटर तक तो कार जाएगी, बट उसके बाद यू हैव टू हाइक। सो 3 to 4 किलोमीटर आज मुझे हाइक करना है, and I'm ready for that. Cheers. मॉनेस्ट्री जा रहे हैं, जहाँ पर 5 किलोमीटर, आई थिंक लोग ऐसा बोलते हैं 5 किलोमीटर की वॉक है, हाइक करना है 1.5 घंटा, यानी जाना 1.5 घंटा, आना 1.5 घंटा। सो 3-4 घंटे की जर्नी है एंड वी आर ऑल आवर वे। बट व्हाट इज दिस चेरी काइंड ऑफ सॉफ्ट टोमेटो। वाओ, वी आर गोइंग टुवर्ड्स दिस ब्यूटीफुल रिवर। दिस इज जस्ट आउटस्टैंडिंग। जब भी आप यहाँ पर हाइक करते हो, बहुत ध्यान से, क्योंकि कहीं से भी पत्थर गिर सकते हैं। बट ये जो रास्ता है पूरा ना, दिस इज वर्थ टू वॉक द रीजन। ये जो व्यू है उसके साथ ही आपकी आंखें ठंडी हो जाती है ना। आई फील दैट यू आर इन समवेयर हेवन। ग्रेट, एंड दिस गाइज विद मी, सो आई एम रियली रिलैक्स, हेल्पिंग मी आउट इज मास्टर। ये हाइक वाइक करने में इतने लोगों को लेके जाता है हिमालयन फ्रंटियर्स। यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट दैम, मैंने उनका डिटेल्स दिया है अपने डिस्क्रिप्शन में गाइज। वहाँ से चल के काफ़ी चल लिया, आधा घंटा ऑलमोस्ट, बट मेरी है ना आँखें थकती नहीं है। ये पानी देख के कलर सो नेचुरल एंड ब्लू। दिस ओल्ड मैन, ही इज वॉकिंग ऑल अलोन। ओह माय गॉड, लेट मी टॉक टू हिम। हाय Gentlemen, how are you? Where are you from? I am also from Mumbai. अच्छा, मुंबई से हो? अकेले आए हो? So why are you going alone? Just like that? Okay. I thought you are alone. ये सारे rocks ऐसे अटके हैं, यानी चलते चलते भी डर लगता है कि कोई एक rock ऊपर से गिर ना जाए। लोग ट्रैक करके जब जाते थे वो वाला ब्रिज से जाते थे, वो टूटा हुआ ऐसे झूला दिखाई दे रहा है। माई गॉड, कितना रिस्की है। ये अभी भी बना रहे हैं। मॉनेस्ट्री बनी हुई है पूरी। मैं वहां जाके आपको नजदीक से दिखाती हूँ प्रॉपर।
मॉनेस्ट्री इन दिस केव. सो मैं की मॉनेस्ट्री गई थी, दंकर गई थी, जो स्पीति वैली में थी. बट दिस इज रियली डिफरेंट. वो किचन है मॉनेस्ट्री का, यहाँ पर खाना पकता है सबके लिए. फुक्तल मॉनेस्ट्री तो ये कितने साल पुराना है? ऐसे कहने के लिए है 2550 की चल है. 2550 तो ये ताबू मॉनेस्ट्री सबसे बहुत पुराना है. हाँ सेम जैसा है ताबू, ये की मॉनेस्ट्री सेम जैसा है. सारे मोंगलों इधर ही रहते हैं नीचे. हाँ जी यहाँ यहीं रहता है, पढ़ाई यहीं करता है, खाना यहीं, पूजा भी यहीं, सब कुछ यहाँ करता है. अंदर पढ़ाई होती है सबकी? अंदर अपना क्लासरूम होता है, छोटा बच्चा लोग बाहर जाता है क्लासरूम होता है, इंग्लिश पढ़ता है, हिंदी पढ़ता है, मैथ पढ़ता है, साइंस पढ़ता है, बुद्धिज्म फिलोसफी पढ़ता है. और सुबह सब खाना सबका इधर ही बनता है? हाँ लंच मेरे पास से लेकर लंच डिनर सब कुछ यहाँ. आप ही करते हो? आमदनी आमदनी ऐसे मामूली जैसा है. जो जितने भी छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं रूम्स, यहाँ पर ये लोग रहते हैं अंदर. रणदीप सिंह, उसने मुझे बोला आप खाना खा लो, तो देखो मैं खाना खा रही हूँ, राइस एंड सब्जी. ये थी मॉनेस्ट्री की कहानी और यहाँ तक की मेरी जर्नी. अब यहाँ से वापस 5 किलोमीटर उधर के नीचे जाना है. आई थिंक इट इज़ नॉट 5 किलोमीटर, शायद वो 3 किलोमीटर होगा, 3 से 4 किलोमीटर होगा, 1.5 से 2 घंटा अगर आप बहुत ज़्यादा आराम से यू नो हाइक करके आते हो तो. और किसी को साथ में लेके आना, अकेले मत आ जाना, क्योंकि ये सब जगह पर यू नीड प्रॉपर गाइडेंस. रोड्स उसके बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि स्मॉल यू नो लेन है जहाँ पर आपको पूरा हाइक करके आना है, नीचे पूरा लेक है. एंड आई थिंक नेक्स्ट ईयर तक, मुझे जहाँ तक लगता है डेवलपमेंट नेक्स्ट ईयर तक यहाँ पर काफ़ी रास्ते भी बन जाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं यहाँ के लोग. सो यार दिस इज़ द वे टू रीच मॉनेस्ट्री. एंड अगेन आई एम गोइंग बैक टू द पार्किंग जहाँ पर गाड़ी पार्क. जाते समय इतना थका नहीं लगा था जितना आते समय लगा. आते समय मुझे ऐसे लग रहा है ना सनलाइट बहुत ज्यादा हार्श थी. सनलाइट हार्श थी एक्चुअली, क्योंकि सुबह में गए थे हम लोग और आते आते दोपहर के 2 बज गए 3 और अभी 4. लाइक जाते जाते बहुत आराम से गए, आते समय बहुत बहुत थकान. ओ यार स्टेमिना चाहिए बस एकदम से. वी आर बैक एंड नाउ हेडिंग टुवर्ड्स अ न्यू विलेज. सामने से इतना हार्श सनलाइट आ रहा है ना, और ये छाता मुझे इतना प्रोटेक्ट कर रहा है. सी दिस आइड इज सो गुड मैन. Roads are so bad, yaar. पदुम तो पहुंच गए, पर अभी पदुम को हमें एक्सप्लोर करना है, जो आप देखोगे नेक्स्ट एपिसोड में. देखना मत भूलना. और आज का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन. मिलते हैं फिर बहुत जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक गुड नाइट, अलविदा, बाय बाय.